देशभक्ति के रंग में सराबोर हमारे टॉप 16 डांसिंग स्टार्स, जिन्हें आपने देखा पिछले हफ्ते रिपब्लिक डे स्पेशल। उनमें से 6 पार्टिसिपेंट्स रहे अनसेफ। तो देखते हैं एलिमिनेशन राउंड, ये जानने के लिए क्या उन्हें गोल्डन स्टार मिला या नहीं। वेलकम। मैं आराध्या सोमवंशी और मैं तनिष चौधरी, स्वागत करते हैं आप सभी का फर्स्ट ऑनलाइन डांस रियलिटी शो डांसिंग स्टार्स VBIS हुनर की खोज, प्रेजेंटेड बाय बाल भवन ग्रुप ऑफ स्कूल्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले हफ्ते हमने सेलिब्रेट किया रिपब्लिक डे और हमारे टॉप 16 में से 6 कंटेस्टेंट को नहीं मिला था गोल्डन स्टार, और आज उन्हें दोबारा परफॉर्म करना होगा एलिमिनेशन राउंड में। देखते हैं कौन ले जाएगा आज गोल्डन स्टार अपनी मेहनत से और कौन जाएगा अपने घर। तो शो को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं हमारे ज्यूरी मेंबर्स को। दीपिका मैम कहाँ है? दीपिका मैम हमारे साथ ही है। कहाँ पे है मैम? देखो हमें तो नजर आ रही है। कहाँ पर? जैसे बेटा महाभारत में संजय अपने घर बैठ के दिव्य दृष्टि से सबको देख रहे थे, ऐसे दीपिका मैम भी आज हम सबको देख रही हैं वहीं से। तो तनिष्क, मेरे लिए तो पिछला वीक बहुत ही धमाकेदार गया, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ कि मैं क्या बताऊं। बट देखते हैं हमारे जजेस का क्या कहना है, उनको कैसे लगी हमारे लास्ट वीक की परफॉर्मेंसेस। तो सबसे पहले हमारी स्टार जज अर्चना मैम, मैम आपको कैसे लगा लास्ट वीक? यस, मुझे तो बहुत मज़ा आया, एकदम फील आ गया था कि हाँ हम भी बना रहे हैं रिपब्लिक डे और मज़ा आ रहा है। सारे कंटेस्टेंट जो हमारे थे पूरे उस रंग में ढल चुके थे और हमें भी उनको देख के हमें मज़ा आ रहा था, देख रहे थे हम कि वाओ कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। वैसे बहुत बच्चों को हमने नहीं दिया स्टार, अब वो मेहनत करके आए हैं, लेट्स सी आज क्या होता है, देखते हैं। ओके मैम, मैं सुनीता मैम से भी जानना चाहूँगा कि आपको पिछले हफ्ते की परफॉर्मेंसेस कैसी लगी? मुझे भी बहुत मज़ा आया, मतलब पूरा ऐसा लग रहा था हम उस रंग में रंग गए हैं। बच्चों की सॉन्ग सिलेक्शन, बच्चों ने डांस, मज़ा आ गया, वाओ परफॉर्मेंस थी बच्चों की, मुझे तो बहुत मज़ा आया। थैंक यू मैम। मंजू मैम, कैसा लगा था आपको लास्ट वीक? बहुत अच्छा, बहुत इन्जॉय किया हम सब ने, और बच्चे जो वेरिएशंस के साथ आए थे ना, वो अलग 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 चीज़ें, पूरे मूड्स, अलग अलग मूड्स, एक विडो, एक पत्नी, एक बहन, अगर आर्मी के बाद हमारा मतलब आर्मी मैन अगर चला जाए तो वो फील दिलाया कि कैसा लगता है, क्या फील होता है हमें, है ना। तो सारे वेरिएशंस बच्चों ने हमें दिखाए, सारे मूड से हम गुजरे, सो बहुत मज़ा आया, और आशा करते हैं हम सब कि आज भी बहुत मज़ा आए। यस मैम, बिल्कुल सही, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज हमारे पार्टिसिपेंट्स कैसी धमाकेदार परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं। तो तनिष, कौन आ रहा है आज पहले? तो चलिए बुलाते हैं अपने पहले कंटेस्टेंट को, जो डांस करती है ऑलवेज, ऐसा नहीं कि कभी कभी, आ रही है स्टेज पर हमारी वैष्णवी। वैष्णवी, आपकी कॉस्ट्यूम तो बहुत अच्छी है, तो आप क्या परफॉर्म क्या करोगे आज आप? बॉली लावणी। हाँ, बॉली लावणी, मेरे से तो नाम तक नहीं बोला जा रहा, बॉली लावणी। यस आई डिड इट। सो वैसे वैष्णवी, आपके मतलब पिछले परफॉर्मेंस में क्या कमियां थीं जो आज आप उन्हें ओवरकम करने की कोशिश करोगे? कि मेरे डांस में पिछली बार उतनी एनर्जी नहीं थी, हाँ, एंड मैं अच्छे से डांस नहीं कर पाई थी। तुर्जा तू ना डर ना कभी, ना घबर ना कभी, ले जा तू उखाड़ के जमीन। बेटा मुझे आपकी परफॉर्मेंस में डांस की कमी नजर आई आज,
हमें डांस भी कम देखने को मिला और आपकी एनर्जी लेवल बहुत कम लगा, बिकॉज आपकी जो कॉस्ट्यूम थी मुझे लग रहा है बहुत फिट थी वो। हाँ, आपकी कॉस्ट्यूम जो है वो कंफर्ट नहीं लग रही थी आपको, आपको बैठ के उठने में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा था आई थिंक, जिसकी वजह से मुझे लग रहा आप वो खुल के डांस नहीं कर पा रहे थे जो भी आपको अपने स्टेप्स मूव्स लेना था। आज आप फुल अपने जोश के साथ अच्छे से करोगे, गोल्डन स्टार आपको आखिर लेकर जो जाना है। यस, सो ऑल द बेस्ट वैष्णवी, देखते हैं कि आज आपके साथ क्या होता है, आप गोल्डन स्टार ले पाते हो नहीं, तब तक लिए ऑल द बेस्ट, देखते हैं आपकी परफॉर्मेंस। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ता 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 धकटी तक तांग, धकटी तक तांग, देखी तक देखी तक देखी तक देखी तक तांग 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 धिंता धा धा धिंता ता धिंता तक दागने 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 तां क्रजिंत नक दिन तदिंत नक दिन अच्छे से, तो कैसा ये वैसे डांस फॉर्म है, कहाँ की? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। थैंक यू। तो हम पूछते हैं जजेस से, ज्यूरी मेंबर, सुनीता मैम कैसी लगी परफॉर्मेंस आपको? हेलो वैष्णवी। हेलो मैम। बेटा आपका सॉन्ग तो बहुत बहुत एनर्जी वाला था, बट मुझे आपके आपके अंदर कम लगी, जैसे नाल की जो थाप जा रही थी ना डबल, मगर आप बहुत स्लो डांस कर रहे थे उस पर, आपके स्टेप्स बहुत अच्छे थे मगर आप उसको मैच नहीं कर पा रहे थे ना, जो थाप थी ना नाल की उसको आप मैच नहीं कर पा रहे थे बेटा। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके बेटा। ज्योति मैम आपको कैसा लगा वैष्णवी की परफॉर्मेंस? वैष्णवी आप बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू मैम। आपका फर्स्ट सॉन्ग जो था स्टार्टिंग का नाइस, अच्छा किया। जब सेकंड सॉन्ग स्टार्ट हुआ था आप जो चल रही थी उसमें दो स्टेप्स आपके स्टार्टिंग में ड्रॉप हो गए थे, ठीक है, और अच्छे से थाप कर सकते थे और जो बीट थी स्टार्टिंग की उसमें आप पूरा कवर कर सकते थे, एनर्जी बहुत लो थी उस वाले सॉन्ग में, तो वो ध्यान रखना है आपको। ओके मैम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। सो वैष्णवी आई रिक्वेस्ट आपके पेरेंट्स को, मैम सर प्लीज स्टेज पर आ जाइए। Thank you.
मैम सर, आपको कैसी लगी वैष्णवी की परफॉर्मेंस? अच्छी लगी परफॉर्मेंस इसकी। कुछ स्पेशल मतलब क्या आपने मतलब कहाँ से वैष्णवी ने सीखा मतलब क्या कैसे किया? जो मेंटर हैं उन्होंने सिखाया है, उन्होंने इनको बताया स्टेप्स के बारे में, सॉन्ग सिलेक्शन के बारे में, कुछ इसने कुछ प्रैक्टिस किया अपना इसके बारे में। दैट्स गुड। सो आप मतलब सपोर्ट करते हैं, आपकी प्रे यही होगी कि वैष्णवी गोल्डन स्टार लेकर जाए? श्योर, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो वैष्णवी अभी तो आपको स्कोर्स हम देंगे नहीं, वो तो सस्पेंस है, शो के एंड में आपको पता चलेगा कि आप सेफ हो या फिर नहीं। सो थैंक यू वेरी मच वैष्णवी फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सर। तो अभी हमने देखी थी धमाकेदार परफॉर्मेंस वैष्णवी की। वैसे तनिष, वैष्णवी ने कौन सा फॉर्म किया था? वो ही कौन सा वो क्या, छोड़ो बाद में बात करते हैं इसके बारे में, अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट को, है ना? जो दिखाती है हिम्मत हर बार, कुछ वैसा ही दिखाने आ रही है इस बार हमारी मन्नत। मन्नत, आपका एक्ट मुझे अच्छा लगा, लेकिन कुछ कुछ गलतियां थी, थोड़ा सा और अच्छा कर सकते थे। और सबसे मेजर मेरे को लगा यहाँ पे अगर आप हैंग पे ना 2 मिनट 10 सेकंड का होल्ड करना चाहिए था, वो फील बन जाता, ये मिसिंग हुआ। बस इसका ध्यान रखना अगली बार कि कैरेक्टर में रहना है, परफॉर्म करने के बाद ही थी सीधा थैंक यू पे नहीं आना। You are looking so pretty. Thank you. वैसे आज तो आप फुल डिस्को स्टाइल में लग रहे हो, तो करने क्या वाले हो आज? आज मैं लैला में लैला पे डांस कर रही हूँ, वैकिंग प्लस हिप हॉप। क्या बात है, लैला में लैला। वैकिंग और हिप हॉप मुझे कोई नॉलेज तो है नहीं फिलहाल, हम कहाँ धरती से जुड़े हुए लोग, बट कोई बात नहीं। मन्नत अपना अच्छे से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से परफॉर्मेंस देना और गोल्डन स्टार लेकर जाना। सो ऑल द बेस्ट मन्नत, थैंक यू। अच्छे से करना है। क्या बात है लैला।
मन्नत कसम से आज तो आपने पूरा स्टेज हिला के रख दिया, मतलब इतनी एनर्जी, इतना सब कुछ गोल गोल, पता नहीं क्या क्या कर लिया, मैं तो आंखें ही नहीं टिका पाई कि क्या कर डाला आपने, चक्कर आने लगे थे। बट जो भी था, एट द एंड बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। बट जजेस से जानते हैं उनका क्या कहना है। तो सबसे पहले मंजू मैम, कैसी लगी परफॉर्मेंस आपको? वेरी गुड मन्नत, आज आपने थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लगाई है, लेकिन ठहराव बहुत ज़रूरी है डांस में, है ना? रनिंग नहीं चाहिए, म्यूज़िक सुनिए ध्यान से, म्यूज़िक के साथ साथ, ठीक है? तो मुझे एनर्जी ठीक लगी पहले से, बट स्टेबिलिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सो ध्यान रखिए आगे से। मूव्स अच्छे थे बीच में एक दो, बट मुझे लगा कि आप रन कर रहे हो एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो ठहराव बहुत ज़रूरी है डांस में। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। सो सुनीता मैम, हाउ इज़ द परफॉर्मेंस? हेलो मन्नत। हेलो मैम। बेटा अच्छा, आपका डांस मुझे अच्छा लगा, एनर्जी बहुत अच्छी थी। आपका मुझे कॉस्ट्यूम जो अंदर आपने टी शर्ट पहना था ना बेटा, और कैप्री, बहुत थोड़ा कैजुअल लग रहा था मुझे। आपका जैकेट बहुत अच्छा लग रहा था। आपने जो बैक फ्लिप और फ्रंट फ्लिप लिया वो बहुत अच्छा लगा। कार्टविल आपका बहुत क्लियर था। गुड बेटा। थैंक यू मैम। ज्योति मैम, आपको कैसा लगा? मन्नत, मज़ा आ गया आज। बस थोड़ा सा ठहराव चाहिए जैसा मैम ने बोला, ठीक है? और एंडिंग आपकी बहुत अच्छी थी, गुड वैकिंग किया आपने, हिप हॉप के स्टेप्स किए, वेरी नाइस, गुड। थैंक यू। अमन सर, आपको कैसा लगा? मन्नत, आज का परफॉर्मेंस मुझे आपका पहले से ज़्यादा बेटर लगा, एनर्जी वाइज और डांस मूव्स भी बहुत ज़्यादा थे। बस थोड़ा सा कहीं कहीं पे आप हाई पिच पे चल रहे थे, वो थोड़ा सा कंट्रोल करना, बाकी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो अर्चना मैम, स्टार जज मैम, कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस? यस, परफॉर्मेंस तो अच्छा लगा, है ना? नो डाउट अच्छा था बहुत। हाँ, ये है कि वर्डिंग्स जो थे उसका आप एक्शन मुझे नहीं कर रहे थे, जैसे ठहराव मैम ने कहा, मतलब पता चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे, आप खाली उसमें एकदम जोश में करे जा रहे थे, ठीक था। और दूसरी चीज़, लेट्स सी, देखते हैं कि स्टार मैं देती हूँ कि नहीं, है ना? सस्पेंस है ये पूरा, ठीक है? वेट करो इस चीज़ के लिए, है ना? चलो ओके। तो आज आपके साथ कौन आया? मेरे भैया। तो आज ही भी मैं देख रहा था आपको, बड़ा आप एंजॉय कर रहे थे परफॉर्मेंस को, है ना? ये तो आज हो जाए थोड़ा बहुत डांस। नहीं, मुझे नहीं हो जाए, हो जाए थोड़ा सा, आप थोड़ा ऐसे। तनिष्क आपको सपोर्ट करेंगे, तनिष्क आप ज्वाइन करो। मन्नत, आराध्या, बिल्कुल आराध्या भी, लैला मैम, बाय मैम, बाय। नो नो नो, डोंट से बाय, कम इनसाइड। हम उससे नहीं हो पाएगा। तनिष्क आने दे, तनिष्क का तो डांस बस। हमें नहीं पता मन्नत का डांस गया, तो बैक फ्लिप लगाओ प्लीज, प्लीज करके दिखाओ, देखना चाहते हैं बैक फ्लिप। हाँ जी, फ्रंट फ्लिप एक बार, नॉर्मली कार्टविल ले लो। हाँ, वही मैम, वही ले लो, ले लो। जो तुम्हें आता वो ले लो, वो तो आती है। चलो
वेरी गुड तनिष्क। मैम गुरु मां आपके चक्कर में देख रहा हूं मैम, लैला बनना पड़ रहा है इधर। हाय लैला, मन्नत आपके तो ब्रदर भी बहुत अच्छा डांस करते हैं बेटा। ये आप कैसे बता सकते हैं? जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू द एक्ट वॉज कम्प्लीटली एंटरटेनिंग एंड मुझे बहुत मजा आया। मेरे पैर भी हिल रहे थे, मेरे हाथ भी हिल रहे थे, मुझे बस मन कर रहा था कि बस बस जाके नाचो सर। तभी तो ऑल अबाउट दैट, तभी तो अभी आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। क्या बोलते हैं, यू शुड बी थैंकफुल टू मी। इंग्लिश इंग्लिश, ओह माय गॉड। वैसे आपको थैंकफुल होने की क्या जरूरत है आपके लिए? मैंने तो शेष पे बुला, अगर मैं ना बुलाता तो है ना, तो आप अपने अंदर के जो टैलेंट है वो कैसे दिखा पाते? एक्चुअली तनिष्क को भी डांस करना था ना। यस, है ना, फिर कैसे होता? नहीं बात तो यही थी। यस तनिष्क, हमें पता चल जाता है तनिष्क की बात। थैंक यू। और करना भी सो थैंक यू मन्नत एंड आपके ब्रदर के लिए भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। तो बट सेफ हो या नहीं ये तो हमें बाद में पता चलेगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो अभी हमने देखी थी मन्नत की बहुत ही ऑसम परफॉर्मेंस। हाँ एकदम मजा आ गया, उनके भाई ने तो बिल्कुल चार चांद ही लगा दिए, मजा आ गया उनके साथ डांस करके ना। बात तो सही है, मन्नत और उनके भाई ने सच में चार चांद लगा दिए। बट मुझे फिर भी एक डाउट है तनिष्क। हाँ पूछो पूछो। तुझे एक्टर बनना है या डांसर बनना है? अरे क्या मतलब, क्या एक्टर डांस नहीं करते क्या? नहीं बट अरे मतलब मुझे तुम्हें पता नहीं है क्या, मैंने एक छल्लांग मूवी की है। आराध्या आराध्या, आपको डाउट है क्या? वो डांसर भी अच्छा है, वो एक्टर भी अच्छा है। चलो तनिष्क कुछ हो जाए। वो ये बस कभी घमंड नहीं किया मैंने। तो फिर हो जाए तुम्हारे टैलेंट की पेशकश। हाँ और क्या कहते हैं, अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाकर छल्लांग मूवी देखना, मेरी मूवी है वो, मैं पोस्टर में भी हूँ और मैंने बेखूबी अपना रोल अच्छे से निभाया है उसमें। नहीं हमें अभी देखना है ना मैम, टैलेंट का देखना है। तनिष्क तनिष्क हो जाए, हो जाए, आज प्रूव कर दो अपने आप को। लैला तो देख ली हमने, मजनू भी दिखा दो। यस मैम। बंदर बंदर। अरे यार मेरे को एक एक्टर चाहिए अपनी मूवी के लिए। नहीं नहीं तुम तो एक्ट्रेस हो, और वैसे भी एक्ट्रेस तो फाइनल हो गई मेरी मूवी के लिए। नहीं नहीं यार, थोड़ा इमेच्योर फेस है, इमेच्योर फेस है। यहाँ पर तो एक्ट्रेस ही एक्ट्रेस है। नहीं नहीं नहीं, जचेगा नहीं ये ना, इसलिए रोल के लिए जचेगा नहीं यार। अब कहाँ से लाऊंगा अपनी मूवी के लिए एक एक्टर? इनको मैंने बोला भी था एक एक्टर अरेंज करा दो, पर इनसे होता ही नहीं है, क्या करूँ मैं? अरे सर पहले बोलना था ना, मैं हूँ ना एक्टर। क्या बात कर रहे हो तुम एक्टर हो? अरे हाँ सर, तुम पहले बताते ना मूवी शूट कर रहे हो, मेरे को एज एन एक्टर ले लो उसमें हीरो। सच बताओ तो चलिए चलिए बैठे। हाँ तो देखो स्क्रिप्ट कैसी है, घर जैसी है, ठीक है? मतलब क्या होता है, तुम्हारे भाई के मतलब तुम्हारे बड़े भैया के पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है और वो चिल्लाता है और तुम्हें पुकारता है और तुम डॉक्टर के पास भाग के जाते हो और जब तक डॉक्टर आता है तुम्हारा भाई क्या अरे मतलब मर जाता है। छे ये कोई स्क्रिप्ट है? मतलब जब तक मर जाता है? अरे तुम ये सीन एक बार दिखाओ तो करके, जरूर एक्शन बोल देना, थोड़ा बड़ा एक्टर हूं ना। अरे भैया मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुला लियो। अच्छा तेरे पेट में दर्द हो रहा है, रुक जा मैं डॉक्टर को बुला के ला रहा हूँ। डॉक्टर साहब मेरे भैया के पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी चलो जल्दी चलो। क्या तेरे भैया के पेट में दर्द हो रहा है? चल रहा हूँ चल रहा हूँ, चलो चलो। अरे भैया ये तो मर गया। अरे कट कट कट, क्या कर रहे हो यार तुम? मतलब थोड़ा मसाला डालो ना स्क्रिप्ट में, मतलब जो भी तो ऑडियंस को मजा आएगा। क्या कर रहे हो यार? अरे क्या चाहिए सर आपको, क्या चाहिए बताओ मेरे को, बताओ क्या चाहिए? मतलब थोड़ा थोड़ा सीरियसनेस। हाँ मतलब कि ऑडियंस पॉपकॉर्न खा रही और आंसू टपक रहे, समझ रहे है ना? अरे समझ गया सर समझ।
एक्शन बोल देना, थोड़ा बड़ा एक्टर हूँ। शुरू करें सर। हाँ चल। अरे भैया तेरे पेट जल्दी से डॉक्टर को बुला लियो, क्या तेरे पेट में दर्द हो रहा है, रुक जा डॉक्टर को बुला के ला, डॉक्टर साहब मेरे भैया के पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी चलो क्या तेरे भैया के पेट में दर्द हो रहा है, चल रहा हूँ चलो अरे भैया ये तो मर गया, अरे कट कट क्या कर क्या रहा तुम, इतनी ओवर एक्टिंग, कूल हाँ कूल, तुम एक काम करो ये छोड़, इसमें कॉमेडी रहो समझ रहे हो, ऑडियंस पॉपकॉर्न खा रही है, ऐसा हंसे जो पॉपकॉर्न का डब्बा दूसरे ऑडियंस में चला जाए, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, थोड़ी कॉमेडी थोड़ा ना, हाँ पहले बोलना था ना सर, एक्शन जरूर बोल देना, थोड़ा बड़ा एक्टर हूँ। अरे भैया अरे भैया मेरे पेट में दर्द हो रही है, जल्दी से डॉक्टर बुला ले, क्या थे तुम्हारे पेट में दर्द हो, डॉक्टर को बुला के ला, डॉक्टर साहब मेरे भैया के पेट में दर्द, जल्दी चलो क्या तेरे भैया के पेट में दर्द, चल रहे अरे भैया ये तो अरे कट क्या कर रहे हो, आउट, मुझे बनानी नहीं है कोई स्क्रिप्ट, ये लो, अरे तुम सब क्या देख रहे हो, पैसा तनिष कमाल कर दिया, अरे थैंक यू मैम, हंसते रोना आ रहा था तनिष देख लिया मेरा एक्टिंग का टैलेंट, अनफॉर्चुनेटली मुझे एडमिट करना होगा कि सर टैलेंट है आप में, क्या कहें हम आपकी बात नहीं है, बट डांसर आप अच्छे हो सकते थे, बस कभी घमंड नहीं किया, नहीं डांस फिर भी नहीं होता, डांस तो हो जाता है मैम, तनिष उतना मजा नहीं आया था, है ना आया था, मुझे तो लग रहा है कि मेरे को तो आया, आया था आपको, मुझे तो डांस ज्यादा पसंद आया आपका, डांस पर बनना तो एक्टर ही है, हां एक्टर है कोई बात नहीं, मेरे से स्टार ले, अरे वाह, अरे थैंक यू, स्टार तो बनता ही है ना, दोनों में माहिर, डांस भी और एक्टिंग भी, डांसिंग स्टार का सुपरस्टार, अरे देख रही हो, यस मिलना था ये, है ना, थैंक यू मैम, देख रहे हो गोल्डन स्टार मिल गया मुझे, शर्म करो कुछ, शर्म किस बात की, यू डिड, आराध्या आपकी तो निकल पड़ी, सुपरस्टार के साथ काम कर रहे हो आप, यस मैम सुपरस्टार, वाओ तनिष कंधा तोड़ दी, तो चलिए बुलाते हैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट को, जो हर एक्सप्रेशन में फील भरने की करती है कोशिश, डांस करती नहीं उसे जीती है हमारी कशिश, तो मतलब आज सब इतने सुंदर सुंदर बन के आए हैं, मैं मतलब क्या ही बोलूं, मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है एक एंजल खड़ी हो वाइट ड्रेस में, यू आर लुकिंग रियली ब्यूटीफुल कशिश, सो आज क्या करने वाले हो आप, आज मैं हमारी
लेजेंड श्रीदेवी को अपने छोटे से परफॉर्मेंस से ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ और मैं अपना पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूँ। तो आज हमें देखने को मिलेंगी श्रीदेवी जी की परफॉर्मेंस, मुझे तो अंदर से बहुत ही खुशी हो रही है। कशिश, तो आपकी पिछली परफॉर्मेंस में वैसे क्या चीज़ थी जो आज आपको एलिमिनेशन राउंड में आना? यू हैव टेकन द ट्रैक वेरी फास्ट। अगर आप थोड़ा सा इसको फास्ट भी था तो आप थोड़ा सा मूवमेंट्स वैसे करते जो क्लियर होते टोटली, तो ये और भी उभर के आता, बिकॉज लग रहा था कि आप थक गए हो, बीच में जंप कर रहे हो आप थक गए हो। यू एग्री? तो आज उसे ओवरकम करोगे आप फुल एनर्जी के साथ? ऑल द बेस्ट कशिश, थैंक यू। तो देखते हैं कशिश की परफॉर्मेंस। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट कशिश, आई होप सो आप अपना परफॉर्मेंस आज बहुत अच्छे से देंगे। पूरी तैयारी के साथ आए हैं बेटा? चलो ऑल द बेस्ट बेटा। देखे हसीनों के मेले, देखे दिल पे हो Woo!
शिश, मतलब कसम से आपने यहाँ पे प्रॉपर रेट्रो वाली फीलिंग ला दी, श्रीदेवी जी के ज़माने में आपने हमें पहुँचा के रख दिया। क्या बात है, मज़ा आ गया एकदम। सबके अंदर एनर्जी आ गई, मैं देखा जजेस के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी आई है। yes. तो फिर हो जाए एक बार स्टेज पे, प्लीज आ जाइए एक बार तो बनता है। जाओ मैम, आ जाइए सब लोग, सबको आना है। आप भी मैं भी देखे जवानी के रेले, देखे हसीनों के मेले, देखे दिल पे हो जो कि हमसे पूरी कोशिश पूरी करी फिर भी नहीं हो पाया उनसे। ये तुम कह रही हो, मेरा कहना नहीं है, मैं तो अच्छे से किया। I'll try my best. मैं भी अच्छा परफॉर्म करूंगी एक दिन, वो एक दिन आएगा। आएगा आएगा, स्टार हम देंगे आपको भी। यस मैम, करवाएंगे। यस आएगा वो दिन, एंडिंग तक वो दिन आएगा, पता नहीं। ये चुनने की फिराक में ये वाला स्टार देखना पड़ेगा वो, है ना, लास्ट तक मिलता है कि नहीं आराधिका। यस मैम, जरूर देखेंगे। यस तो देखोगे, मुझे तो मिल गया। तो वही वो टूटू स्टार लेके जाएगी, है ना बेटा। वही तो बात होती है एक सक्सेस इंसान की, और क्या, आगे बढ़ते रहो चाहे जो भी हो। ये बात छोड़ के हम कशिश पे आते हैं। तो सबने डांस वगैरह कर लिया, आप देखते हैं जूरी मेंबर का उनको क्या कहना है। सबसे पहले मंजू मैम, कैसी लगी परफॉर्मेंस? कशिश, व्हाट अ कमबैक, वाओ। प्लीज मैम, मैम को बुलाइए, आ जाइए आ जाइए, प्लीज आइए। मैम थैंक यू फॉर सपोर्ट हर। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। थैंक यू, आपके जो कमेंट जो करते हो वही बच्चों को मोटिवेट करते हैं और वही डीमोटिवेट भी करते हैं। तो लास्ट टाइम जो भी था मतलब अच्छा था, इसकी कशिश ने काफ़ी मेहनत दी थी, लेकिन ये जो आप लोगों ने किया है कि कुछ अनसेफ हैं कुछ सेफ हैं, लेकिन अनसेफ वाला भी बहुत अच्छा है क्योंकि जब तक बच्चा अनसेफ नहीं होगा वो हार्ड वर्क नहीं करेगा। करेक्ट, राइट। एंड कशिश, आप नायाब हो, लाजवाब हो, वेरी गुड, लव यू बेटा। कशिश आपने बहुत खूबसूरत डांस किया आज। और बहुत सुंदर, नो वर्ड्स, गॉड ब्लेस यू बेटा। अमन सर आपका क्या कहना है? हेलो कशिश। कशिश मेरे को आपकी परफॉर्मेंस देख के ना मज़ा आ गया, मतलब आपने बहुत अच्छी वाइब ना क्रिएट कर दी, एनर्जी सी आ गई। गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही करते रहो अच्छे से। आपने स्टार्टिंग में वैकिंग किया, आपने ड्रेस चेंज करी, प्लाजो डाला, इट्स वेरी गुड, वेरिएशन बहुत अच्छी थी, गॉड ब्लेस यू। सो अब पूछते हैं स्टार जज का क्या है कहना। मैम बताइए। स्टार जज को तो बहुत मज़ा आया, मतलब ऐसा डांस था आपका कि हम लोग रुक ही नहीं पाए, हमको तो आना ही पड़ गया, बस स्टेज पे आना ही है डांस करने, अब आपके साथ कदम से कदम मिलाना है, है ना। आपको मज़ा आया हमारे साथ डांस करके? यस yes, हमें भी बहुत मज़ा आया, बस अब रिजल्ट का वेट करते हैं, है ना कशिश, वेट करें, वेट करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो, सो थैंक यू कशिश, आपको रिजल्ट्स एंड ऑफ द शो मिलेंगे कि आप सेफ हैं या नहीं। तो तब तक के लिए हैव योर सीट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। अभी तक जो परफॉर्मेंस थी वो उन पार्टिस
पार्टिसिपेंट्स की थी जो पिछले वीक रहे थे अनसेफ। तो यहाँ पे है कहानी में एक ट्विस्ट। है? क्या मतलब? तुम्हें समझाना क्या, चलो तुम्हें दिखाते हैं और मिलवाते हैं अपने वाइल्ड कार्ड एंट्री से। वेलकम हर्षित एंड अमृता। छोटी से आप कहाँ गए हो? मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? डांस करोगे आप? हैं? सही में? अरे ये क्या मजाक चल रहा है? कंटिन्यू। बस कर बे, कितनी क्यूट है ये। इसको तो कुछ नहीं बोला जब से सबको बोले जा रहे प्रीटी प्रीटी प्रीटी, है ना भाई? यहाँ दर्द होता है यार, तू मेरा भाई है ना? बोल मेरे को भी बोलो कुछ। मेरे को भी बोलो। अरे बेटा, यू आर हैंडसम मैन, यू आर हैंडसम। अरे हैंडशेक कर लो बेटा, हैंडसम हो तो कांग्रेचुलेशन फॉर योर हैंडसमनेस। सैनिटाइजर लाओ। हेलो अमृता। हेलो मैम। हेलो हर्षित बेटा। हेलो मैम। बेटा आप लोगों को आज वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है, ओके? यस। एक आपको एक चांस और मिला है ना? यस। तो आज आप लोग क्या करने वाले हो? डांस तो करेंगे बेटा, डांस के लिए आए हैं। यस। तो आज धमाकेदार डांस फुल तैयारी के साथ आए हैं? यस। ओके बेटा। मैं आपकी हंसी अभी बंद करवाती हूँ। ये तनिष्क बंद कर लो अपनी हंसी। आखिर शेर धमकी। तनिष्क शेर को सवा सिर मिल ही गया बेटा। सोच लो अब। देख लो। सॉरी। सॉरी तो तब बोलेंगे। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका आने वाला है। yes, आपकी हंसी बंद करवाने। क्यों अमृता, हो जाए? यस यस यस। मैं तू भी कुछ कर लियो अच्छे से। तो चलिए बुलाते हैं अपने फर्स्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री को। ले ताल मुद्राओं सी एक सुंदर कविता, अपना हुनर दिखाने आ रही है अमृता। चॉकलेट्स ले ली, ऐसा तो नहीं बोलोगे हमें? नहीं। पक्का? नहीं। वैसे आप परफॉर्म क्या करोगे आज? आज मैं करने वाली हूँ, हम तो ऐसे हैं भैया। अच्छे से करोगे आप? यस मैम। तो अभी आप चॉकलेट रखना, जब आपकी परफॉर्मेंस होगी तो देना। ओके ओके। शर्म नहीं आती? तू बच्चे से पैसे ले रहा है। ये आपके हैं? चॉकलेट भी लेगा उससे और पैसे भी लेगा, मतलब हद हो गई बेशर्मी की। तनिष ये भी मैं ले लूं? नहीं, वो बैग में रखने के लिए था। एक्चुअली चॉकलेट मेरी है। ये लो आप ले लो। एक काम है फिर। अरे यार उसमें दो आप डाल रहे थे। दो ये रही, आप कह रहे हो थ्री। एक तनिष का आपने तो नहीं ले ली, देख लो बच्चे का। चेक करो मेरी पॉकेट में कुछ है ही नहीं।
नहीं है, ये ले, नहीं है, है आपने कहीं छुपा लिया है, लो चेक कर लो पूरा, इसमें दो ही हैं। तनेश चॉकलेट ही चाहिए था आपको वही बच्चे की। कितनी बुरी बात है तनेश, बच्चे की छोड़ने वाली नहीं है आपको, चॉकलेट बच्चे के थोड़ी ना कंपनी बनाती है उसको, वो तो आई है ना उनके लिए, बच्चे के लिए ही होता है। ये किसने बोला बच्चे के लिए होता है? मेरे पापा ने बोला है। आप आपके साथ आज पापा हैं आपके? चलो आपके परफॉर्मेंस के बाद बात करेंगे उनसे, है ना? चलो ठीक है। कि आखिर चॉकलेट हमें मिलनी चाहिए कि नहीं? और क्या? ओके अमृता, ऑल द बेस्ट फॉर योर परफॉर्मेंस। ये कितने का है? 5 रुपए। हमारे पास 2 ही रुपया है, रख लो। जेब में हमरी 2 ही रुपया, दुनिया को रखे ठेंगे पे भैया, सुख दुख को खूंटी पे टांगे और पाप पुण्य चोटी से बांधे। नाचे है हम दादा भैया, हम तो ऐसे हैं भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपना फैशन है भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया। एक गली में बम बम भोले, दूजी गली में अल्लाह मिया, एक गली में कुंज अजाने, दूजी गली में बंसी बजैया, की रगों में लहू बहे है, अपनी रगों में गंगा मैया, सूरज और चंदा भी ढलता अपने इशारों पे चलता, चलना ये दुनिया का गोल गोल भैया, हम तो ऐसे हैं भैया, हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपना दर्शन है। गंगा में जाके तू डुबकी लगा, रबड़ी के संग संग चबा लेना उंगली, माधव भंग का रंग चढ़ा, चूना लगाई ले पनवा खिलाई दे, उस पे तू जड़ डे कांटोड़ पाला गई दे, आहा पटना से आई वे, पेरिस से आई वे, गंगा जी में हर कोई नंगा नहाई वे, जीते जी जो तुझको होती जो पूछ तो मैं तुझको गैया बुलाती, तू सोच कैसा लगा। तो सबसे पहले मंजू मैम, कैसी लगी परफॉर्मेंस अमृता की? अमृता वेरी गुड, आप इंजॉय कर रहे थे अपना डांस? Yes. तो वो बहुत अच्छी बात है, और आई वुड से ओनली ऑल द बेस्ट, एंड आई वांट योर यूनिक, व्हाट इज योर, व्हाट इज द नेम? मिस्टर येलो इज यूनिकॉर्न। ओह मुझे चाहिए ये, आप दे सकते हैं मुझे? नहीं। वेरी बैड, बट ऑल द बेस्ट। मैं आपको बड़ों के दे दूंगी। हेलो अमृता, आप तो बहुत बातें करती हो बेटा, कहाँ से सीखते हो ये बातें, कौन सिखाता है? मैं सीखती हूँ पापा से। तो पापा पे अपने अपना कोई सामान किसी को नहीं देते? नहीं। हाँ, नहीं देते। गुड। एनीवे बेटा, आपने डांस बहुत अच्छा किया, आप तो जैसे हो भाई वैसे ही हो,
आपका डांस मुझे तो बहुत अच्छा लगा, छोटी छोटी अदाएं, छोटे छोटे स्टेप्स, बहुत अच्छा डांस किया बेटा आपने। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। हेलो बेटा। हेलो मैम। आपके डांस के लिए बात करते हैं, आपने कंटिन्यू में लिपसिंग करी है, ये आपकी अच्छी बात है, आपने कहीं भी लिपसिंग ड्रॉप नहीं करी, ठीक है? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। गुड। तो मैम कैसी लगी आपको हमारी प्यारी सी अमृता की परफॉर्मेंस? वो खुद ही प्यारी सी लग रही है तो क्या बताऊँ परफॉर्मेंस का, मज़ा आया देख के, हम लोग को मज़ा आ रहा था डांस देख के उसका, लेकिन इसकी बातें उससे ज़्यादा प्यारी लग रही है। चलो आपके रिजल्ट का देखते हैं, वेट करते हैं, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय। हमारी चॉकलेट। थैंक यू। तेरे को नहीं मिली, चल। तो अभी हमने देखी प्यारी सी अमृता की परफॉर्मेंस, तो नेक्स्ट कौन है? जिसको पसंद है सिर्फ रैंक पहला, दूसरा और तीसरा, आ रहे हैं स्टेज पे हर्षित मिश्रा। परफॉर्म करोगे आज आप? कंटेंट स्टॉप चाइल्ड लेबर। स्टॉप चाइल्ड लेबर है ना, तो बहुत अच्छा है आपकी एज में, तो देखें आपका परफॉर्मेंस। यस। ऑल सेट ऑलरेडी? यस। ऑल द बेस्ट। आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। बोल देते कम से कम, है ना? मेंस कब से, मतलब बॉयज कब से सुंदर लगने लगे? हैंडसम, स्मार्ट। स्मार्ट, नाइस इंग्लिश मैन, नाइस इंग्लिश। थैंक्स। तो अब डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हर्षित, देखते हैं आपकी परफॉर्मेंस। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना, ठीक है? ये ले जाओ। थैंक यू। भारतवर्ष में प्रारंभ से ही बच्चों को ईश्वर का रूप माना जाता है, लेकिन आज की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है। ये ले, इसे भी दो, वरना आज भी खाना नहीं होगी, समझी? आपको नहीं लगता कि कोमल बचपन को
इस तरह गर्त में जाने से आप रोक सकते हैं? देखो इन्हें ये हैं ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाइए तारे जमीन पर। बच्चों से मत काम करवाओ, नन्हे हाथों को ना दुख पहुंचाओ, बाल व्यापार की रोकथाम हम सब मिलकर करें ये काम। तो हर्षित, आपकी परफॉर्मेंस मतलब बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। वैसे आपको आइडिया आया कहाँ से चाइल्ड लेबर का? मम्मा, तो मैम आपने इनको प्रिपेयर करा है? वैसे तो ये सर से सीखते हैं। अच्छा अच्छा। और उनके सर का ये कॉन्सेप्ट था कि कुछ अलग करके दिखाना चाहिए, बहुत हो गया बॉलीवुड, कुछ अलग थीम लेनी चाहिए, उन्होंने सजेस्ट किया। बहुत अच्छा लगा आपको मैम, कैसा लगा आपको वैसे परफॉर्मेंस? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बाकी जज के ऊपर डिपेंड्स है। बिल्कुल मैम। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। यस सर। परफॉर्मेंस देखो इसमें, बाकी तो डांस था ज़्यादा नहीं, लेकिन जो है एक्टिंग बहुत अच्छी थी और जिस तरह का था उसने बहुत अच्छा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैम तो फिर आप जजेस से पूछते हैं कि जजेस को कैसा लगा। तो सबसे पहले ज्योति मैम, कैसी लगी परफॉर्मेंस आपको? हर्षित मज़ा आ गया, आपके एक्सप्रेशंस टू गुड। जो जिस फील के साथ आपने किया वो दिख रहा था। आपने बैग लेकर काटविल मारी, करवटें बदली, क्लीन थे स्टेप्स, मैशी स्टेप्स नहीं थे। गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। अमन सर, कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? हेलो हर्षित। हेलो सर। हर्षित मैं यही कहूँगा कि लास्ट परफॉर्मेंस से ज़्यादा बेटर आपकी वाली परफॉर्मेंस थी। आप डेफिनेटली ग्रो अप करके आए हो और आपने नया स्टाइल अटेम्प्ट करा कंटेम्प्रेरी, जो मैंने आपको पहले नहीं देखा करते हुए। सेकंड जो सॉन्ग था खोना चाहिए हम तारे जमीन पर, मुझे वहाँ से एक्ट आपका ज़्यादा अच्छा लगा, बट नो डाउट आपने मेहनत करी है। थैंक यू सर। I must say all the best. बाकी थैंक यू सर, देखते हैं आगे। सुनीता मैम आपका क्या कहना है? हेलो हर्षित। हेलो मैम। बेटा आपने बीच में बैग लेके एक गेम खेला था, उस गेम का नाम बता सकते हो? आपने क्या खेला था, उसे क्या बोलते हैं? चिप्पी। स्टापू, हम लोग स्टापू बोलते थे। मगर आपने बहुत अच्छा किया कंटेम्प्रेरी, आपने सॉन्ग सिलेक्शन आपकी बहुत अच्छी लगी, आपने अपनी शर्ट को भी रिमूव किया, टी शर्ट को। थैंक यू मैम। बेटा बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। आपका क्या कहना है? हर्षित मुझे भी आपका एक्टिंग सेक्शन बड़ा अच्छा लगा। डांस तो मुझे पता है आप अच्छा करते ही हो और अच्छा किया भी है, मुझे भी आपका वो जो एक्टिंग सेक्शन था ना, वो जो कप टूटा then perfect। thank you ma'am। so all the best Harshit। thank you ma'am। और अभी तक आप करेक्टर में ही हो। nice message। okay बेटा, all the best बेटा। thank you ma'am। तो अब चलते हैं स्टार जज के पास। मैम अर्चना मैम, कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। ये जो थीम लिया चाइल्ड का बहुत अच्छा लगा और उस पर उसने वर्क भी किया है ना, अच्छा लगा देख के, उसने फील लेके किया कि हाँ मैं रो रहा हूँ या जो है ना। यस मैम। ठीक है, ऑल द बेस्ट, देखते क्या होता है रिजल्ट। ठीक है। यस मैम। हर्षित आज पूरे जोश में है। मॉम। यस मैम। यस मैम। गुड, पॉजिटिव। थैंक यू
थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये थी हमारी सारी परफॉर्मेंस खुशनुमा माहौल से भरी हुई, लेकिन अब बारी है रिजल्ट की। टेंशन का माहौल पूरा बना हुआ है, तो सबसे पहले मैं अपने उन पार्टिसिपेंट्स को बुलाना चाहूँगी जिन्हें गोल्डन स्टार नहीं मिला था। प्लीज़ हैव अस ऑन स्टेज। तो देखते हैं कि आज का रिज़ल्ट क्या रहा है, आप में से कौन सेफ हुआ है और कौन एलिमिनेट। तो पूछते हैं स्टार जज से। मैम, हेलो बच्चे, तीनों ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया, मगर हमारा फॉर्मेट कुछ ऐसा है बेटा कि हमें भी देखना पड़ेगा किसको सेव करना है, और आगे लेवल भी अप हो गया है, तो मुझे लगता है कशिश आई थिंक सेफ होना चाहिए। कशिश सेफ है आज। कशिश कम। कंग्रेचुलेशन कशिश फॉर गेटिंग द गोल्डन स्टार। बट अभी हमारे दो पार्टिसिपेंट्स बाकी हैं, तो जजेस आपका डिसीजन क्या है? मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप दोनों में से कोई ना कोई एक सेफ में होगा और एक एलिमिनेट होगा, बट जो भी एलिमिनेट होगा वो बिल्कुल भी डीमोरलाइज ना हो, क्योंकि ये एंड नहीं है, स्टार्टिंग है, अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपको करने के लिए। तो जो सेफ होता है उसके लिए तो ओब्वियसली खुशी वाला माहौल है, जो एलिमिनेट होता है वो भी खुश होकर ही जाए, क्योंकि यहाँ तक आना भी बहुत बड़ी बात है। इतने सारे बच्चों में से आप निकले हो, टॉप 16 में आए, फिर आगे आके आपने नई नई परफॉर्मेंसेज दिखाई, बहुत एंटरटेनमेंट किया आपने, और बहुत सारी नई नई चीज़ें आपने सीखी भी हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, देखते हैं ये आपको हमारे स्टार जजेस जज बताएंगे कि कौन सेफ है और कौन अनसेफ। मेरे पास स्टार है, जिसको मैं लगाऊंगी वो सेलेक्ट, और जिसको मैं नहीं लगाऊंगी वो भी सेलेक्ट है, ठीक है? हाँ, टेंशन नहीं लेना है, घर जाके खूब प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट टाइम फिर आना है। yes, रख लो तनिष्क, ठीक है? आगे देखो। मन्नत इज सेफ एंड यू आर बेस्ट, है ना? स्माइल। यस, कांग्रेचुलेशन। नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे धूम मचाने। बोलो यस। यस। वैष्णवी, जर्नी आज से आपकी स्टार्ट हो गई है। यस मैम। इट्स अ नॉट एंड, इट्स अ स्टार्टिंग फॉर योर डांसिंग जर्नी। यस मैम। ठीक है, जितना सीखा उस लेवल को ऊपर ले जाना है आपको, है ना? यस मैम। बहुत ही सीखा इस जर्नी में आपने, ठीक है? यस वैष्णवी, डू यू वॉन्ट टू से समथिंग? नो, प्लीज से कुछ तो सो बोलो 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 बोलो। मैम, मैं आऊंगी नेक्स्ट टाइम और इससे भी अच्छा करूंगी। बिल्कुल, डेफिनेटली। गॉड ब्लेस यू बेटा। ये शुरुआत हो चुकी है आपकी, ठीक है? अभी तो शुरुआत है, ठीक है? बहुत आगे जाना है वैष्णवी, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। डोंट लेट डाउन योर सेल्फ, ओके? यस मैम। ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रेट फ्यूचर। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा फॉर कमिंग एंड लव यू। थैंक यू वेरी मच मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन मन्नत एंड कशिश, ऑल द बेस्ट, क्योंकि आपको मिल चुका है गोल्डन स्टार। सो वैष्णवी, थैंक यू वेरी मच। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आपको और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ हम नेक्स्ट मिलते रहें।
तो जैसा कि आपने देखा जो हमारे तीन अनसेफ पार्टिसिपेंट्स थे उसमें से कशिश और मन्नत सेफ हुए और वैष्णवी एलिमिनेट। तो आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अपने वाइल्ड कार्ड एंट्री को स्टेज पर। अमृता एंड हर्षद प्लीज कम ऑन स्टेज। सो अब आपकी रिजल्ट की बारी है, तो पूछते हैं जजेस से कि आप में से किसको मिला है गोल्डन स्टार और किसको नहीं। जजेस, अमृता एंड हर्षित किसको मिलना चाहिए बताइए। नो आइडिया। अमन सर बताएंगे। अमन सर बताइए। सबसे मुश्किल काम मेरे पे दे दिया। अमृता एंड हर्षित, आप दोनों का डांस बहुत अच्छा था लेकिन डे बाय डे हमें लेवल अप होता हुआ दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो जजमेंट अकॉर्डिंग टू मी जो मेरे को लगता है आप दोनों में से हर्षित डिजर्व करता है। एंड अमृता, आप बहुत अच्छे डांसर हो और बहुत छोटी एज है आपकी, अगर सेम एज ग्रुप में कंपटीशन रखे तो डेफिनेटली मेरे को लगता है आप धूम मचाने वालों में से हो, लेकिन यहाँ पे कोई एज का बैरियर नहीं है और डांस पे ही जज करना है। तो फॉर नाउ अभी हर्ष मेरी साइड से हर्षित डिजर्व करता है, बाकी और लोगों की सजेशन जानते हैं। हाँ सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी अमृता बहुत छोटी है, उसके पास बहुत टाइम है, आगे अभी सीखेगी और अच्छे से सीखेगी। क्यों अमृता? यस यस बेटा। हर्षित भैया ने थोड़ा आपसे अच्छा किया, ठीक है, तो आज हम हर्षित को सेव करते हैं। स्माइल कर दो हर्षित। टेंशन में क्यों हो? स्माइल स्माइल बेटा, और आ जाओ अपना स्टार लेने के लिए। हर्षित, फाइनली हर्षित को स्टार मिल गया। लेकिन हर्षित मेहनत करनी पड़ेगी, आगे कंपटीशन बहुत टफ है। ओके सर। ओके ठीक है। मुझे तो लग रहा है पूरा आर्मी के फॉर्म में आया है। यस सर। ओके सर। गॉड ब्लेस यू बेटा। सो कांग्रेचुलेशन हर्षित और अमृता, आपको भी कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आगे आपके बहुत सारे हैं चांसेस जीतने के और भी शोज। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। तो ये थी हमारी आज की परफॉर्मेंसेस जहाँ पे हमारे तीन कंटेस्टेंट को मिले थे गोल्डन स्टार। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमिनेशन राउंड में कुछ और फन एंड सरप्राइजेस के साथ। तब तक लिए अलविदा, बाय बाय, टाटा एंड कीप वॉचिंग। चलते हैं, दुआओं में याद रखना।